एसएन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी शनिवार को अन्य दिनों की तुलना में काफी कम रही। महज 2000 के आसपास ही मरीजों ने पंजीकरण कराकर चिकित्सकों से परामर्श लिया। इस दौरान प्रभारी अधिकारी फार्मेसी डॉक्टर प्रदीप जैन एवं चीफ फार्मासिस्ट आरएस राणा ने बताया कि ओपीडी सामान्य दिनों की तरह ही चल रही है, लेकिन सुपर स्पेशलिटी विभाग में आने वाले कुछ महीनों में मरीजों के लिए सभी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये नहीं है कि संडे को लोग आराम करके मंडे से ही सारे ऑफिसों के कार्य शुरू करते हैं। सेकेंड सैटरडे भी है, इस वजह से भी लोग कुछ ऑफिस वाले वैसे नहीं निकलते, अपने आराम के मूड में रहते हैं। मंडे से नई एनर्जी के साथ लोग बाहर निकलते हैं, मरीज भी हो वैसे भी लोग, जिसको इमरजेंसी है तो इमरजेंसी तो 24 घंटे निकलेगा और जाएगा भी, इमरजेंसी में जाएगा, कहीं भी जाएगा, इसमें तो आराम के भी मूड में रहते हैं। दूसरा है कि लोगों ने महसूस किया कि ठंड शुरू हो गई, उस हिसाब से इंतजाम से भी रह रहे हैं और हेल्दी सीजन भी कहा जाता है। ये सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग में काम चल रहा है, लगभग अंतरिम दौर पर ही है काम, बाहर बाउंड्री वगैरह हो रही है, अंदर मशीनें भी काफ़ी लग गई हैं और लग रही हैं मशीनें, जल्दी ही हो सकता है जनवरी में काम स्टार्ट हो जाए सुपर स्पेशलिटी का, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो गायनिक के सामने पुरानी बिल्डिंग में भी बैठ रहे हैं। उनकी जो अलग अलग विभाग द्वारा हर फ्लोर पर अलग अलग व्यवस्था की गई है, उसमें ओटी, इंडोर की, आउटडोर की, सारी अलग अलग व्यवस्था है, बहुत अच्छी सारी फैसिलिटी होंगी, एक ही जगह पर मरीजों को सुपर स्पेशलिटी मिलेगी। और यहाँ आगरा में पहली ऐसी व्यवस्था होगी, पहले मरीजों को एम्स में जाना पड़ता था, दिल्ली या कहीं बाहर जाना पड़ता था, अब आगरा में ही यह सुविधा उपलब्ध हो रही है। अनिल जी, ओपीडी में दवाइयाँ, जो आवश्यक दवाइयाँ हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, और जो दवाई नई डॉक्टर्स लिखते हैं उसे डिमांड हम स्टोर में भेजते हैं और वो दवाई फिर मंगाते हैं। दवाई की किसी तरह की कोई एसएन मेडिकल कॉलेज में कमी नहीं।